हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियोस के साथ। आज हम सब लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में किसी भी लोन डाटाबेस का रिपोर्ट हम कैसे तैयार करेंगे। सपोज दैट आप बैंकिंग सेक्टर या किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं और आपसे कोई लोन लेके गया है, तो आप उसका रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है एमएस एक्सेल है। एमएस एक्सेल में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आप फीडिंग कर सकते हो। एक बार जो है फीड रिपोर्ट बना लेने के बाद आप उसका ऑटोमेटिकली फीडिंग कर सकते हो। तो आइए वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। अगर सबसे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल और पावरफुल होने वाला है आपके लिए। तो आइए वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लाइंट नेम डाल दिया। क्लाइंट नेम क्या होता है, जैसे कि किसने लोन लिया है, उसके फादर्स का नेम, एड्रेस कहाँ का रहने वाला, स्टेट, लोन अमाउंट कितने का लिया है, इंटरेस्ट कितना लग रहा है, टाइम पीरियड यानी कि कितने समय का लिया है लोन। उसके बाद में यहाँ हम एक कॉलम यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं क्लाइंट आईडी का। क्लाइंट आईडी, उसके बाद करना क्या है, सिंपली इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप जहाँ तक इसको सिलेक्ट किए रहेंगे, आपको जो भी कलर्स देना होगा यहाँ से आप कलर कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने यहाँ पे जो है येलो कलर रखा था। उसके बाद में यहाँ कस्टमर लोन डाटाबेस का हम रिपोर्ट बनाने वाले हैं, तो मैंने टाइप करके इसको सेल को सिलेक्ट करके यहाँ से मर्ज कर लिया है। उसके बाद में डाटा एंट्री इन एक्सेल किस चीज़ का हम करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें इसमें मैंने टाइप्स की हुई हैं, तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। उसके बाद सिंपली करना क्या है, इसको सिलेक्ट कर लेना। आपको जहाँ तक भी ये रिपोर्ट बनाना होगा, आप पूरे वर्कशीट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसको सिलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट डाउन एरो या लेफ्ट एरो, मतलब जिस भी एंगल में जाना है उसका भी यूज कर सकते हो। उसके बाद करना क्या है, सिंपली यहाँ बॉर्डर वाले ऑप्शंस में आना है, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है, ये ऑटोमेटिकली बॉर्डर का ऑप्शंस दे देगा। उसके बाद में ये बोल्ड पे है, तो ऑलरेडी इसको हम बोल्ड पे कर देंगे, ताकि जब भी हम डॉक्यूमेंट की फीडिंग इसमें करें ये ऐसे ही दे बोल्ड। अब आपको सिंपली करना क्या है कि यहाँ पे एक कस्टमाइज का ऑप्शन दिया है, कस्टमाइज एक्सेस टूल बार। यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे, यहाँ मोर कमांड का ऑप्शन दिया है, इस पर आप क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे पॉपुलर कमांड दिया है, तो आपको यहाँ पे ऑल कमांड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऑल कमांड पे क्लिक करेंगे, इस लिस्ट में आपको फॉरम का ऑप्शन खोजना है। तो आप जब तक एफ नहीं आ रहा है, तब तक आप स्क्रॉल करते जाइए, खोजते जाइए। यहाँ पे आपको फॉरम का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके, यहाँ से ऐड पे क्लिक करके हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद सिंपली करना क्या है, यहाँ से यहाँ तक के जो हमने फॉर्मेट्स बनाए उसको सेलेक्ट कर देने हैं, और यहाँ पे आपको एक फॉरम का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस देगा, और यहाँ पे आपको सिंपली ओके कर देना है। आप जैसे ही ओके करोगे, ये बॉक्स ओपन होकर के आ जाएगा। आप करना क्या है, यहाँ पे क्लाइंट आईडी, आप जैसे ही क्लाइंट आईडी फिल करोगे और टैब बटन प्रेस करके नीचे आओगे, यहाँ मैंने अमन टाइप किया। सिंपली फिर से मैंने टैब बटन प्रेस किया, फादर्स नेम मैंने टाइप किया, फिर से हम टैब बटन, जैसे ही टैब बटन प्रेस करते हुए नीचे आएंगे, ये सिंपली वन बाय वन करते हुए ये सारी चीज़ों का फीडिंग बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। सिंपली आपको स्टेट प्रेस कर देना है, यहाँ पर टाइप कर देना है, टैब बटन प्रेस करते आएंगे, लोन अमाउंट आप डाल देंगे, आपको जिस हिसाब से लोन लेना रहेगा। यहाँ पे मैंने जो है 1,20,000 का डाल दिया है, आप अपने हिसाब से जिस हिसाब से कस्टमर रहेगा। इंटरेस्ट डाल देंगे जो भी हमारा 10% 12% लगता होगा, यहाँ पे हम प्रेस कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे टाइम पीरियड पूछ रहा है, यानी कि कितने
साल का उसने लिया है, कितने मंथ का लिया है, जितने टाइम का वो लिया होगा उतना हम टाइप कर देंगे। यहाँ पे हमने टाइप कर दिया है 3। उसके बाद में हम ये करना क्या है, सिंपली यहाँ पे जैसे ही हम न्यू पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली इसमें फीड हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली ऑटोमेटिकली बहुत ही आसान तरीके से फीड होगा। इसी तरीके से आप अगर स्मार्ट वर्क करना चाहते हो, आप इसी तरीके से आपको पूरा ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगा। हम दूसरा टाइप कर दे रहे हैं, सिंपली हमें दूसरा टाइप करना है, हम दूसरा टाइप कर दे रहे हैं, आपको दिखा दे रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जैसे ही हम न्यू पे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली आप इसे फीडिंग कर सकते हैं। उसके बाद करना क्या है, यहाँ से हम इसे क्लोज कर देते हैं और यहाँ से इसको हम सेट कर ले रहे हैं डबल क्लिक करके। आप देख सकते हैं इस तरीके से हो गया है। दूसरा चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ टाइम पीरियड में 3-2 लिख के आ रहा है। तो ये 3-2 का मतलब क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ अगर हमें ईयर लिखना है तो सिंपली करना क्या है, सेलेक्ट करना है इसे और यहाँ पे चले आना है हमें नंबरिंग वाले ऑप्शंस में, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। आपको यहाँ कस्टम का ऑप्शंस मिल जाएगा। कस्टम में आने के बाद यहाँ आपको क्लिक जैसे ही करेंगे जनरल का ऑप्शंस मिलेगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली हैशटैग देना है, यहाँ पे हैशटैग का सिंबल लगाना है। उसके बाद में डबल कोड में आपको जो भी लिखना है, जैसे कि मुझे ईयर लिखना है तो हम यहाँ पे ईयर टाइप कर देंगे। यहाँ से हम ओके कर देंगे। आप देख सकती हैं सबके साथ जो ऐड हो करके आ जाएगा। सिंपली करना क्या है, करने के बाद इतना करने के बाद आपको सेलेक्ट कर देना है, पूरा ऑलरेडी जितना रहेगा ये आप सेलेक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो हो जाएगा। एक तरीका और है, हम वो भी बता दे रहे हैं। सिंपली आपको पूरा सेल सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जब जाएंगे कस्टम में और यहाँ जनरल में आपको जो भी टाइप करने के लिए मैंने कोड बताया है यहाँ से आप देख सकते हैं ये हर जगह ईयर लिख के आ गया। अब इससे पता चल रहा है कि हमारा 3 ईयर और 2 ईयर्स के लिए ये लिया गया है। तो अगर आप स्मार्ट तरीके से इसमें वर्क करना चाहते हो तो आप फॉर्मेट बना के भी वर्क कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मली क्या है कि आप नॉर्मली भी टाइप करके इसमें वर्क कर सकते हो। जैसे कि हम बता दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आईडी नंबर हमारा दिया हुआ। अब करना क्या है, सिंपली आपको इसको सेलेक्ट करना है, स्क्रॉल कर देना है जहाँ तक आपको फीडिंग करनी है। अब यहाँ पे जैसे मान के चलो हम यहाँ लिख दे रहे हैं राहुल, कुछ इस तरीके से आपको लिखना होगा। इस तरीके से भी आप टाइप कर सकते हो। तो आपको जो भी ऑप्शंस इजी लगे उसका यूज कर सकते हो। तो ये सिंपली रहा स्मार्ट वर्क करने का तरीका। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियोस कैसा लगा।